आज हम झटपट बनने वाली सूजी मसाला डोसा बनाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए झटपट सूजी मसाला डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम एक मिक्सी जार, इसमें डालेंगे हम एक कप सूजी, एक चम्मच गेहूं का आटा, एक चम्मच बेसन। अब इस सभी को हमें पीस लेना है, पाउडर बना के तैयार करना है। तो बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, हल्का सा दरदरा। और यहाँ मैंने देखिए इसे पीस लिया है, छूने पे ये हल्का दरदरा जैसा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इसे मैंने फाइन नहीं किया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे, इसमें हम एक कप दही डालेंगे, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे, अभी बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। तो मैंने जिस बर्तन से दही लिया था उसी में डाल के थोड़ा सा पानी ले लिया है और इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे ढक के हम 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, ताकि सूजी जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। तब तक हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए गैस पर हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे, इसमें हम 2 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे। जैसे तेल गर्म हो जाए तो 1 चम्मच राई, 1 चम्मच चना दाल, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 7 से 8 कढ़ी पत्ते हल्का सा इसे हम चटकने देंगे। जैसे ये चटक जाए इसके बाद हम इसमें एक लंबे आकार में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा पकने देंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। प्याज हल्का सा पक गया है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 इंच दरदरा पिसा हुआ अदरक, 1 कटा हुआ टमाटर। टमाटर को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच सांभर मसाला पाउडर, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो 1 मिनट इसे हम पका लेंगे। मसाला को 1 मिनट पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे आलू। तो आलू को मैंने मैश कर लिया है, पूरी तरह से मैश नहीं किया है, छोटे छोटे इसके टुकड़े हैं। तो यहाँ मैंने 3 से 4 आलू ले लिया है, इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, इसे भी हम मिक्स करते हुए कुछ सेकेंड के लिए पका लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, गैस को बंद कर देंगे, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो आलू मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम बैटर देख लेते हैं। बैटर को रखे हुए 15 मिनट हो गया है और ये देखिए पहले से ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी, तो पानी इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके डालें और मिक्स करें। बहुत ज़्यादा बैटर पतला नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो हम जैसे डोसे के बैटर बनाते हैं उस तरह से हम बैटर बना के तैयार कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह का बैटर हमें चाहिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। मिक्स करते हुए 1 मिनट इसे हम अच्छी तरह से फेटेंगे और इसे मैंने 1 मिनट फेंट लिया है। तो चलिए बैटर हमारा रेडी है, अब हम डोसे बनाते हैं। तवा को हम गर्म होने के लिए रखेंगे, इस पर हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, कपड़े से हम इसे फैला लेंगे। अब इस पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और देखिए तवा यहाँ गर्म हो गया है, तो इसे कपड़ा से हम पोंछ देंगे। तवा का टेम्परेचर को हमें कम करना है। अब हम बैटर डालेंगे, तो बैटर डालते समय गैस को हम लो कर देंगे और इसे बाहर की तरफ गोल गोल घुमाते हुए हम इसे फैला लेंगे। तो इसे मैंने फैला लिया है, अब गैस को हम हाई कर देंगे। तो सूजी का डोसा हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, जब इसका कलर चेंज हो जाए तेल को भी हम फैला लेंगे। और जब इस तरह का हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद हम इस पर मसाला डालेंगे। तो इसे हम चारों तरफ से घुमाते हुए पका लेंगे और धीरे धीरे डोसे में अच्छा सा कलर आ रहा है। जब इस तरह का कलर आ जाए तो फिर इसे हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। सूजी का डोसा जब भी पकाएं तो हाई फ्लेम पे पकाएं, क्योंकि ये सूजी है, लो फ्लेम पे अगर आप पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाएगा। बाकी के डोसे भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे।
लेकिन ध्यान रहे कि जब भी आप बैटर डालें तो गैस को उस समय से लो कर दें। जब बैटर अच्छी तरह से फैल जाए फिर गैस को आप हाई कर दें। और ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी टेस्टी क्रिस्पी क्रिस्पी सूजी का मसाला डोसा बनकर तैयार हो गया है। तो इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।